सरक संगीता 58वीं कक्षा सूत्र स्थान का 11वां अध्याय तिस्रैषणीय अध्याय नाम से प्रसिद्ध है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में तीन ऐषणाओं की, तीन इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। तीन इच्छाएं, उनमें सबसे पहली प्राणैषणा है, शरीर को हम स्वस्थ रख सकें। दूसरी धनैषणा है, अपने शरीर के लिए जो साधन सामग्री आवश्यक है उसको हम अपने प्रयत्नों से जुटा सकें, जैसे खाने पीने का सामान, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए वस्त्र, बीमार पड़ जाएं तो औषध, चिकित्सा, जो भी हमारे लिए आवश्यक साधन सामग्री है हमारी योग्यता और हमारे काम के अनुसार। हमारा काम का नेचर कैसा है, जैसे स्वामी जी को तो हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा कहीं कहीं जाना पड़ता है, लोग इतना अधिक उनको व्यस्त रखते हैं, हमारे कार्यक्रम में भी आओ, हमारे कार्यक्रम में भी आओ, और मेरा काम पैदल भी चल सकता है, साइकिल से भी चल सकता है। तो ये अपने काम के नेचर के ऊपर है। यदि हमें एक ही जगह रह कर के काम करना होता है तो उसी तरह के साधन अपेक्षित होते हैं। घूम घूम करके हमको काम करना होता है, बहुत सारी संस्थाओं में जाना, बहुत सारे देश विदेश में जाना, तो उसके लिए एरोप्लेन भी प्रयोग करना होता है। तो वो सारा जो धनैषणा है वो साधन सामग्री की दृष्टि से वो बात कही कि हम सबको वो हमारी एक जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण करनी होती है। तीसरी परलोकैषणा, उसको धर्मैषणा भी कहते हैं, मनी हमारे को ये भी समझना होता है कि ये जीवन का खेल इतना ही नहीं है जितना हमको दिखाई देता है, इस शरीर के साथ समाप्त होने वाला नहीं है। इस शरीर में रहते हुए हमारे को ये भी समझना होता है कि कोई ऐसा कार्य न हो जिससे कि उसका परिणाम में दुख भोगना पड़े। धर्म ऐषणा या परलोक ऐषणा का अर्थ यह है कि हम ऐसा जीवन जिए, क्योंकि इसके ऊपर एक, इसके पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में एक बात छिपी हुई है कि हमारा जो जीवन है वो कर्म के ऊपर आधारित है। जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं उसी तरह के हमको शरीर मिलते हैं, योग्यता मिलती है, ब्रेन मिलता है, हमको माता पिता मिलते हैं, हमको परिस्थितियां मिलती हैं, जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं। तो हमारे कर्मों के आधार पर, और ये आयुर्वेद में बार बार ये बात कही गई है कि कर्मों के आधार पर रोग भी मिलते हैं, सुख दुख मिलते हैं। तो ये परलोक ऐषणा इस तरफ इंगित करती है, इस तरफ हमें संकेत करती है कि हमारे कर्म इस तरह के हों जिससे कि उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें दुख भोगना ना पड़े और अपने जीवन का हम विकास कर सके। साथ में ये भी बात भी है कि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें, हम अपने मन बुद्धि को, जो हमारे करण हैं उनको संस्कृत कर सकें, अपने आप को संस्कृत कर सकें, कर्ता को, करण को हम शुद्ध कर सकें, ये भी परलोक ऐषणा के साथ जुड़ी हुई चीज है। मानी हमारे अस्तित्व में एक तो करण है और एक कर्ता है और क्रियाएं हैं, और फिर जहां हम काम करते हैं ये जगत है, तो इस जगत को भी सुंदर बनाने के लिए, इस दुनिया को भी सुंदर बनाने के लिए, और जिन साधनों से इस दुनिया को हम सुंदर बनाते हैं वो साधन है कर्ता, करण और उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, कर्ता के, करण की सहायता से कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, कर्ता तो हम लोग हैं। तो परलोक ऐषणा में यही समझाना चाहते हैं कि ये परलोक ऐषणा यद्यपि वो दिखाई नहीं देती, पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है ये ऐषणा, ये जो हमारी चाह है परलोक क्या है इसको समझने की जो हमारी जिज्ञासा है ये भी हमें पूरी करनी होती है, ऐसा यहाँ पर
बात चल रही है, ये हमें इसकी खोज करनी, यद्यपि ये बड़ा अदृश्य विषय है, हमारे को दिखाई नहीं देता, इसलिए इसमें संशय भी होता है। कुछ लोग जो प्रत्यक्षवादी हैं और प्रत्यक्ष को ही महत्व देते हैं, वो कहते हैं कि ये परलोक आदि कुछ नहीं होता, ऐसे ही बना रखे हैं, और जो आगम प्रमाण को, शास्त्र वचनों को महत्व देते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। शास्त्रकारों ने अपनी दिव्य दृष्टि से बड़ा खोज करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, उन्होंने बतलाया इस रहस्यमय चीज को, इस गुप्त चीज को, तो इसको भी हमें, इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। दोनों बातें हमें अलग अलग लोगों से सुनने को मिलती हैं, और जब ये दोनों बातें मिलती हैं तो हम होते सुनने वाले कन्फ्यूज्ड। कभी कभी हम उधर झुक जाते हैं जब हमारे हमारी जैसे मन में स्वेच्छाचारिता की बात आती है, तो हम इसको हटा देते हैं, उन्हीं की बात अच्छी लगती है कि हाँ जो ये कहते हैं ना, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे बना रखी है चीजें, सब ये ढोंग बना रखे हैं, तो उनकी बात हमको अंदर ही अंदर, चाहे हम बोल ना पाए, हम जिस समाज में रहते हैं बातें तो उसी के अनुसार हम करते हैं, पर अंदर अंदर कभी कभी वो चीज हमें घेर लेती है, और कभी सात्विक स्थिति में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जो शास्त्रकार महा परम ज्ञानी महाविद्वान हुए हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते ऐसे। तो ये दोनों बातें चलती रहती हैं सुनने वालों के मन में। एक निश्चय पर पहुंचना होता है जो बुद्धिमान आदमी है उसको, किसी एक निश्चय पर पहुंचना होता है कि इसमें रहस्य क्या है, इसका सही तत्व क्या है। ऐसे एक रहस्य, इस एक एक बिंदु पर हमें पहुंचना होता है। ऋषि लोग तो पहुंचे हुए हैं ही, तभी तो वो बोल रहे हैं, हमें भी पहुंचना होता है। ये जो आगम प्रमाण है वो तो केवल इतना ही है कि किसी चीज का संकेत करता है कि ये चीज ऐसे है ऐसे नहीं, और उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। दो चीजें होती हैं, एक अनुभव बोध भी कह सकते, एक विश्वास होता है। विकल्प रहित विश्वास से भी हमको बहुत बड़े लाभ मिलते हैं, ये बात सही है कि विकल्प रहित विश्वास हो तो हमें बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं, जैसे आत्मा परमात्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। विकल्प रहित यदि विश्वास हो तो हमें बहुत बड़े लाभ मिल जाते हैं। ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो बोध से हमें लाभ मिलता है, वही लाभ हमें विकल्प रहित विश्वास से भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी मानव की एक बड़ी तेज तीव्र जिज्ञासा होती है कि केवल मैं विश्वास में ना जीऊं, मुझे बोध होना चाहिए। फल तो वो विश्वास में भी हो जाता है, जैसे कोई विकल्प रहित उसके सामने ये एक बात रहे हमेशा कि परमात्मा है, पुनर्जन्म है, कर्मफल है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद में जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल शत प्रतिशत इधर से उधर, उसमें से एक सुई के नोक बराबर भी टस से मस नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम ठीक ठीक है, ऐसा यदि हमें विश्वास हो जाए, चाहे बेशक ना जाने हम, पर विश्वास हो जाए तो इस विश्वास से भी हमारे को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। हमारा जीवन एकदम सुंदर जीवन बन जाएगा, स्वयं के लिए तो बन ही जाएगा, दूसरों के साथ जो हम रहेंगे उनको भी प्रसन्नता देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि हम जो होते हैं वही तो बांटते हैं। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, संशयग्रस्त व्यक्ति संशय बांटता रहता है, संशय रहित व्यक्ति दूसरों को संशय रहित करता रहता है। जो हम होते हैं वही बांटते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल हमेशा परेशानी में रहता है, उसके पास जाकर के बैठ करके देखें, वो बूढ़े व्यक्तियों के पास जाकर के एक बार बैठ करके देखो, जिनके घुटनों में दर्द, जिनके कमर में दर्द, जिनके डायबिटीज, जिनके ये सब रोग होते हैं ना, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई हार्ट अटैक होता रहता है,
तो उनके ध्यान से चुपचाप थोड़ा सा उनके हाँ में हाँ और मिला दो, और फिर सुबह से शाम तक आप देखिए बात करके उनके साथ क्या बातें होती हैं और किस तरह की चर्चाएं होती हैं, तो ये हमें पता लग जाएगा। और कोई सुखी व्यक्ति हो तो उसके पास जाकर के देखें बैठ करके वो कैसी चर्चा करता है हमारे साथ। तो जो हम होते हैं वही बांटते हैं, हम प्रसन्न अवस्था में होते हैं तो प्रसन्नता बांटते हैं, दुख अवस्था में होते हैं तो दुख बांटते हैं, संशयग्रस्त होते हैं तो संशय ही बांटते रहते हैं, और हम निसंशय होते हैं तो दूसरों को भी उसी तरह की चीज हमें हम देते रहते हैं। तो विकल्प रहित विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हम विश्वासी होंगे तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होंगे ना उनमें भी विश्वास पैदा होगा, और ये तो अगली चीज है, बोध वाली जो चीज है ये तो अगली चीज है। बिना खोजी स्वभाव के वो बोध की स्थिति नहीं आती। मानने में तो देखो हम स्वाधीन है, हमें किसी ने बता दिया, किसी पर हमने विश्वास कर लिया कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, बस विश्वास कर लिया। किसी ने बता दिया कि परमात्मा है, किसी ने बता दिया पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म का मतलब कर्मों का फल है, पुनर्जन्म है इसका मतलब ये इतना मत जोड़ो कि फिर जन्म मिलेगा, इसका मतलब है कर्मों का फल है, और ये जो रोग होते हैं शरीर में मन में ये भी कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं, और रोगों का इलाज भी है चाहे वे शारीरिक रोग हैं और मानसिक रोग हैं। लेकिन एक ऐसे रोग भी होते हैं शरीर के, आयुर्वेद पढ़ते समय एक बात हमारे सामने आई कि शरीर के ऐसे रोग भी होते हैं, चार विभाग करके बतलाए थे, कुछ आसानी से ठीक हो जाते हैं, कुछ थोड़ी कोशिश करके ठीक हो जाते हैं, पर कुछ रोग ऐसे हैं जब तक दवा लेते हैं तो ठीक होते हैं फिर वैसे के वैसे। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं कि जो लाइलाज है, जो इस जन्म में तो ठीक नहीं होंगे, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे की तैयारी करो। दुखी होने की बजाय एकदम स्वीकार करके और भगवान का ध्यान करना चाहिए, और उनको कि ठीक है अब जो कुछ जितना हो गया, मान लो कोई व्यक्ति 60 साल जी गया और खींचा तांड करके और एक दो साल जी गया तो क्या हो जाएगा, 60 साल में उसने बहुत बड़ा वो कुछ नहीं कर पाया तो वो एक दो साल तीन साल पांच साल और भी जी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो स्वीकार कर लेना चाहिए कुछ रोग लाइन। लेकिन एक बड़ी बात हमने देखने को मिली आयुर्वेद में कि मानसिक रोगों को लाइलाज नहीं कहा, शारीरिक रोगों को तो लाइलाज बता दिया कि उनको हम इस जन्म में ठीक नहीं कर सकते, मानसिक रोगों को लाइलाज नहीं बताया। मानसिक रोग भी हैं, वो क्या कम खतरनाक हैं? वो तो ये शारीरिक रोग तो यही खत्म हो जाते हैं दूसरे जन्म में, यदि कर्म ही हमारे गड़बड़ हैं तो देखो फिर दूसरे जन्म में फिर पैदा होंगे। ऐसे नहीं कि यहां से वहां वो के वो रोग ट्रांसफर हो जाएं, ऐसा नहीं होता, वो फिर दोबारा पैदा होंगे हमारे कर्मों के हिसाब से। लेकिन मानसिक रोग तो ऐसे हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि इस जन्म में हमको मानसिक रोग जो भी हैं वो बिल्कुल साथ यात्रा करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ गुस्सा किया तो वो यहीं रह जाएगा, अब अगली बार फिर दोबारा वो स्वभाव हमें फिर से तैयार बनाना होगा, ऐसा नहीं, वो साथ जाएगा। जितना लोभ लालच की वो साथ जाएगा, गुस्सा किया, मोह माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, ये सब जो भी मानसिक रोग हैं ये साथ जाते हैं। तो मानसिक रोग तो और भी ज्यादा भयानक हो गए, शारीरिक रोगों से भी भयानक हो गए, पर यहाँ आयुर्वेदकार ने एक बात हमारे सामने रखी कि वो ऐसे नहीं है कि वो लाइलाज हो, उनका इलाज ही ना हो, ऐसा नहीं। मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है, और ये सारे रोग जो होते हैं वो प्रज्ञापराध से होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग से होते हैं, परिणाम काल परिणाम ऋतु परिणाम के कारण होते हैं। तीन जो है बार बार ये संकेत करते हैं कि रोग क्यों होते हैं, रोगों के कारण क्या हैं। तो बोलते हैं एक तो प्रज्ञापराध, एक तो अपनी भूल से होते हैं,
भूल का मतलब हमें पता नहीं होता है कैसे हमें अपनी बुद्धि का, अपनी स्मृति शक्ति का, धृति शक्ति का कैसे हम उपयोग करें, हमें पता नहीं होता है और उसके कारण से ये रोग होते हैं। प्रज्ञापराध क्या होता है? धी, धृति, स्मृति, इन तीनों का गड़बड़ हो जाने का नाम। हमारी जो बुद्धि शक्ति है, हमारे पास जो स्मृति शक्ति है और धृति शक्ति है। बुद्धि शक्ति तो ऐसी चीज है कि जो ठीक ठीक देखती है, लेकिन वो हमारी बुद्धि ऐसी ना रहे तो ये प्रज्ञापराध हो गया। धी के विषय में ये कहा है कि ठीक ठीक देखने वाली उसका उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो ठीक ठीक देखती है। धी को यदि विकृत ना करे होने दें तो वो स्वाभाविक रूप से ठीक ठीक देखती है, ऐसे कहा है। समम बुद्धिर ही पश्यति, ऐसे कहा है। बुद्धि बिल्कुल ठीक ठीक देखती है, बरोबर देखती है। समम बुद्धिर ही पश्यति, तो समम बरोबर देखती है, ठीक ठीक देखती है। तो बुद्धि तो हमारी ठीक ठीक देखती है, लेकिन उसमें इंद्रिय दोषात, संस्कार दोषात, अन्न दोषात, ये सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं और हम उसको विषम बना देते हैं, बुद्धि को विषम बना देते हैं। इंद्रियों के दोष से, संस्कार के दोष से और आहार दोष से और स्मृति शक्ति, जो स्मरण करने योग्य चीजें हैं, यदि स्मृति ठीक रहे तो वो हमेशा याद रहती हैं चीजें। ऐसे नहीं कि हमने किसी महापुरुष से सुन लिया या कहीं पर हमने सीख लिया कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और फिर जब वो मौका आता है तो हम वो भूल जाते हैं। वैसे तो आगे पीछे याद रहेगी बराबर, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, पर जब एक मौका आता है जो हमारा ठीक, जो एक मोमेंट आता है गुस्से नहीं करना चाहिए ना, जिस समय, उस समय चूक जाते हैं। जैसे कि वैसे तो कोई विद्यार्थी पूरा तैयारी रहे, कभी भी बात करो उससे सब चीजें ठीक ठीक बताता रहे और फिर इंटरव्यू देने जाए तो ठीक उस समय बिल्कुल योग्य, मैं तो भूल गया, तो भूल गया तो फिर ले लो प्रसाद। तो ऐसी स्थिति हमारी रहती है कि हम ठीक समय में तो सब ठीक ठाक रहते हैं, सब पता रहता है कि ये करना ये नहीं करना, पर जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो सब भूल जाते हैं। तो ये है प्रज्ञापराध। और ऐसे ही धृति शक्ति हमको पकड़ के रखती है, हमारे अंदर एक शक्ति है ऐसी कि जो हमारे को बुराई में जाने से रोके रखती है। धृतिर ही नियमात्मिका, चरक में कहा है कि धृति शक्ति ऐसी है जो नियमन करने वाली शक्ति है, नियमात्मिका शक्ति है, लेकिन जब वो बिगड़ती है तो नियमन नहीं कर पाती, फिर हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर ऐसे ही बहता रहता है फिर उसमें। तो ये प्रज्ञापराध है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, जो हमारी मन बुद्धि और इंद्रियां जो हैं वो, यहाँ पर ये बतलाया कि चार योग बतलाए, अति योग, अयोग, मिथ्या योग और एक सम योग। यदि हमारी इंद्रियां अति योग में रहती हैं, अयोग में रहती हैं, मिथ्या योग में रहती हैं, तो इसका मतलब रोग आएंगे, आप रोक नहीं सकते। किसी चीज का अति योग, अयोग, बिल्कुल न सेवन या मिथ्या तरीके से समयोग की स्थिति आपको रोगों से बचा सकती। और फिर परिणाम, ऋतु परिणाम, ऋतु परिवर्तन के समय भी रोग आते हैं। तो ये सारी बातें हम आयुर्वेद में पढ़ते रहते हैं। पुनर्जन्म का विषय चल रहा है, थोड़ी सी भूमिका मैंने बतलाई, कुछ नए लोग उपस्थित थे तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था आप्त पुरुष कौन होते हैं, आप्तोपदेश से हम पुनर्जन्म को जानते हैं। आप्त पुरुष वो होते हैं जो साक्षात भूत, भविष्यत, वर्तमान को, तीनों कालों को ठीक ठीक देख लेते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता होती है, हम नहीं देख सकते, वो देख सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको आप्त कहते हैं।
जिनके राग और द्वेष क्षीण हो गए, जिनका रजोगुण तमोगुण क्षीण हो गए, मानस रोग का कारण तो रजोगुण तमोगुण ही है, यहां शारीर दोषों के लिए वातम वातः पित्तम कफश्चोक्तो शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्य तम एव च। शरीर के दोष तो वात पित्त कफ होते हैं, लेकिन हमारे जो मन के दोष है ना, जिनके कारण से हमारे अंदर मानस रोग पैदा होते हैं, उनके लिए रजोगुण तमोगुण। तो जिनके रजोगुण तमोगुण क्षीण हो गए, ऐसे जो लोग हैं बिल्कुल जैसा देखा सर्वभूत हित की दृष्टि से लोगों को फिर ध्यान दिलाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे जीवन जियो, करुणा प्रेरित होकर के दूसरे लोगों को सचेत करते हैं, ऐसे लोगों को आप्त कहते हैं। तो आप्तोपदेश से हमको पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। इन्होंने कहा कि द्विविधम एव खलु सर्वम सच्च असच्च, भावात्मक और अभावात्मक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं और उनके चार परीक्षा होती है, चतुर्विध परीक्षा, फोर फोल्ड मेथड्स ऑफ टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। चार प्रकार की परीक्षा होती है, आप्तोपदेश के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा। प्रत्यक्ष एक प्रकार का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, आप्तोपदेश ऑथोरिटेटिव टेस्टिमनी, आप्तोपदेश, और अनुमान होता है इन्फरेंस और युक्ति, जो रीजनिंग का प्रयोग करते हैं, हम रीजन का प्रयोग करते हैं उसको युक्ति कहते हैं। तो इन चार तरीके से हम भावात्मक और अभावात्मक चीजों का बोध करते हैं। सबसे पहले आप्त का लक्षण किया, अब प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, चार के द्वारा, इन चार तरीके से, युक्ति को भी इन्होंने जोड़ दिया। मनुस्मृति में तो कहा प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। प्रत्यक्षम च अनुमानम च, प्रत्यक्ष अनुमान, शास्त्रम च विविधागमम, और विविध जो आगम शास्त्र हैं, त्रयम सुविदितम कार्यम, इन तीन को बिल्कुल अच्छे से अपने समझ में बिठाना चाहिए, इन तीन को शुद्ध करना चाहिए। धर्म शुद्धिम अभीप्सता, जो व्यक्ति धर्म शुद्धि का इच्छुक है उसको ये तीनों को बिल्कुल पक्का ठीक कर लेना चाहिए। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम, ऐसे इन्होंने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, तीन को तो सारे शास्त्र मानते हैं, इन तीनों प्रमाणों को, तो युक्ति को और जोड़ दिया। ये बताएंगे कि युक्ति क्या है। आप्तोपदेश जो शब्द होता है, शब्द प्रमाण, प्रामाणिक व्यक्ति का वचन, कथन। प्रत्यक्ष क्या होता है उसको बता रहे हैं, आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा का मन के साथ, मन का उस इंद्रिय के साथ, और इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ, इन चारों का जब संयोग होता है, ये चार चीजें जब मिलती हैं, आत्मा, आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, ये चार चीजें जब एक लाइन में हो जाती हैं, आत्मा, मन, इंद्रिय, विषय, यहां पर श्लोक में तो श्लोक की दृष्टि से आगे पीछे बोल रहे हैं, आत्मा इंद्रिय मनोर्थानाम, श्लोक में जो बोला है आत्मा इंद्रिय मनोर्थानाम, अर्थ मानी विषय, ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे सेंसेज हैं, सेंसेज के संबंध जिसके साथ होता है उसको विषय कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों के जो विषय हैं। तो आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इनके सन्निकर्ष होने पर, इनके संबंध में, इनका संबंध होने पर
जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, जो बुद्धि ज्ञान व्यक्त होता है, या बुद्धि व्यक्ता भवति तदात्वे प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। जो बुद्धि ज्ञान होता है, तत्काल जो हमें बुद्धि मिलती है, तदात्वे शब्द का अर्थ है तस्मिन् एव काले, उसी समय आत्मा इंद्रिय मन और विषय इनके सन्निकर्ष होने पर उसी समय जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मैं अब आपको देख रहा हूं, तो इस समय आप मेरी बुद्धि में आ रहे हैं, तत्काल ये जो ज्ञान मेरी बुद्धि में आया, मैंने किसी वृक्ष को देखा, पुस्तक को देखा, किसी खंभे को देखा, जिसको भी देखा, उसी समय जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बुद्धि व्यक्ता भवती, बुद्धि व्यक्ता अभिव्यक्ता भवती, बुद्धि जो है व्यक्त होती है, अभिव्यक्त होती है, तो उस समय उसको प्रत्यक्ष के रूप में प्रकट किया। सन्निकर्ष से जो बुद्धि प्रवृत्त होती है, ऐसे कहा ना, सन्निकर्षात प्रवर्तते, इन चारों के सन्निकर्ष से जो बुद्धि, इन चारों के सन्निकर्ष से जो बुद्धि प्रवृत्त होती है, उस काल में जो बुद्धि व्यक्त होती है, स्पष्ट होता है, तदात्वे या बुद्धि व्यक्ता भवति प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। निरपूर्वक वच धातु का प्रयोग होता है, निरुच्यते का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक कहा जाता है, निरुच्यते, उसको प्रत्यक्ष श्रेणी में रखते हैं। इन चारों के सन्निकर्ष होने पर तदात्वे का तत्क्षण जो हमारे अंदर बुद्धि व्यक्त होती है, स्पष्ट होती है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्षम प्रत्यक्षम, अक्ष कहते हैं इंद्रिय को, इंद्रियम प्रति प्रत्यक्षम, इंद्रियम प्रतिगतम प्रत्यक्षम, अक्षम इंद्रियम प्रतिगतम। ये प्रत्यक्षम है, इंद्रियों का विषय से जब संपर्क होता है, इसमें आत्मा का संबंध होने में कारण बतलाया, आत्मा इंद्रिय, आत्मा मन इंद्रिय और विषय, इनका जब सन्निकर्ष हो जाता है, आत्मा का ज्ञान का आधार आत्मा होता है, और मन के संबंध में कहा कि मन पुरुष शराणी इंद्रियाणी अर्थ ग्रहणे समर्थानी भवन्ति, मन के साथ जब इंद्रियां अर्थ को विषय बनाती हैं, तब वो विषय इन इंद्रियों के द्वारा गृहित होता है। मन पुरुष शराणी इंद्रियाणी विषय ग्रहणे समर्थानी भवन्ति, मन के साथ जब इंद्रियां होती हैं, आत्मा के प्रयत्न के द्वारा मन सचेष्ट होता है, आत्मा के अंदर जैसा उसका ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है, आत्मा में ज्ञान के अनुकूल इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा से वो प्रयत्न सक्रिय हो जाता है, आत्मा में रहने वाला जो प्रयत्न नाम का गुण है वो सक्रिय हो जाता है और वो मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रियों के साथ युक्त होकर के विषय से जुड़ती हैं और हमको ज्ञान होता है, ये एक प्रक्रिया है। आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, पहले उसने अनुभव किया होता है कि ये ठीक रहेगा ये गलत रहेगा, बहुत सारे विषयों में उसका निर्णय होता है, उस ज्ञान के अनुसार एक इच्छा उत्पन्न होती है, किस चीज की इच्छा होती है, या तो मैं उसको ग्रहण करूं या उसको छोड़ूं, ज्ञान के अनुसार आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं उसको छोड़ूं या ग्रहण करूं, फिर वो प्रयत्न, आत्मा में रहने वाला प्रयत्न सक्रिय हो जाता है ग्रहण करने या छोड़ने के लिए, मन को प्रेरणा मिलती है, बड़ा फास्ट गति से होता रहता है हमारे भीतर, अननोइंगली ये सब चलता रहता है। जब हम इसको ज्ञानपूर्वक करते हैं तो वो भी पता लगता है,
जो इसके लिए सचेष्ट रहते हैं, बहुत सावधान होकर इस सब प्रक्रिया को देखते हैं, तो अंततः यहां ज्ञान का अधिकरण है। आत्मा में ही प्रयत्न है, आत्मा में ही इच्छा है, आत्मा में ही सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति है। आत्मा ही हटना चाहता है या आत्मा ही आगे बढ़ना चाहता है? कर्ता के रूप में आत्मा की ही सारी जिम्मेदारी है किसी चीज को ग्रहण करना। आत्मा तो सुख प्रेमी है, फिर ये कैसे दुख में फंस जाता है? उसने जिस तरह का उसको ज्ञान मिला है और उस ज्ञान के आधार पर जैसा वो सुख दुख देखता है, उसके कारण से वो प्रवृत्ति निवृत्ति किसी चीज को ग्रहण या छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ज्ञान यदि उसके पास शुद्ध होता है, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए तो ये बात बोलते हैं कि आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध इच्छाएं, कुछ अशुद्ध आत्मा में अशुद्ध इच्छा पैदा होंगी, अशुद्ध इच्छाएं होंगी, अशुद्ध कर्म होंगे, अशुद्ध कर्म होंगे उसके परिणाम भी अशुद्ध होंगे, दुख के रूप में मिलेंगे। आत्मा यदि शुद्ध होगा तो शुद्ध इच्छाएं पैदा होंगी, शुद्ध इच्छाएं होंगी तो शुद्ध ही हमारे कर्म होंगे, शुद्ध कर्म होंगे तो शुद्ध ही फल मिलेंगे। और साथ में जो मन है, करण है, उनको भी हमें शुद्ध करना चाहिए। और यहां पर मन को शुद्ध करने के लिए भी शास्त्रकारों ने आत्मा को भी शुद्ध करना चाहिए, मन को भी शुद्ध करना चाहिए, उसके प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे कैसे ये शुद्ध होते हैं। इसी का नाम है अध्यात्म विद्या, कि आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाता है, मन को कैसे शुद्ध किया जाता है, और कैसे हम अपने को और जगत को सुंदर बना सकते हैं। इसी का नाम अध्यात्म साधना है, मनोविज्ञान की साधना भी कहते हैं इसको। तो आत्म इंद्रिय मनोर्थ नाम, ये प्रत्यक्ष के बारे में बात हो गई। अब आगे तीसरी बात अनुमान की आती है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते। प्रत्यक्ष पूर्वक तीन प्रकार का अनुमान होता है। प्रत्यक्ष पूर्वम, प्रत्यक्ष के आधार मानकर तीन प्रकार का, प्रत्यक्ष पूर्वक तीन प्रकार का, त्रिकालम च अनुमीयते, तीनों काल का अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष तो वर्तमान का ही होता है, वर्तमान समय का, वर्तमान समय में जो घटना होती है उसी का प्रत्यक्ष होता है, भूत भविष्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। योगियों की बात अलग है, जैसे कि अभी मैंने कहा था आप तो पुरुष तीनों कालों की बातें जानते हैं, पर ये सामान्य जो प्रत्यक्ष हमारा चलता है उसमें ये बात कही जा रही है। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम, ये जो अनुमान होता है तीनों कालों का है, त्रिकाल में विशेषण डाला यहां पर। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, तीनों कालों संबंधित ज्ञान का अनुमान होता है। वन्यर निगूढ़ो धूमे ना, जैसे छिपी हुई वन्नी हमारे सामने नहीं है पर धुएं के द्वारा उसका हम अनुमान कर लेते हैं। बहुत दूर पर धुआं दिख रहा हो तो हम अनुमान कर लेते हैं कि वहां पर अग्नि जल रही है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने नहीं है फिर भी धुएं को देख करके अनुमान कर लेते हैं। और किसी गाय को गर्भवती देख करके या किसी माता को गर्भवती देख कर मैथुन का अनुमान कर लेते हैं कि ये स्त्री पुरुष मिले थे या गाय सांड के साथ संपर्क में आई थी। गर्भ दर्शनात् मैथुनम एवं व्यवस्था, ये अनुमान की बात चल रही है कि गर्भ धारण किया है तो मैथुन उसका कारण बना ही है। एवं व्यवस्यन्ति अतीतम बीजात् फलमनागतम, और इसी प्रकार अतीत का निश्चय करते हैं, भूतकाल का अनुमान हम किया करते हैं। एवं व्यवस्यन्ति माने निश्चिन्वन्ति, निश्चय करते हैं अतीत का, भूतकाल का अनुमान करते हैं। इस प्रकार से ये जो उदाहरण दिए कि भूतकाल में गाय ने सांड के साथ संपर्क किया था, इसका अनुमान किया, आज वो उसका पेट लटकता हुआ दिखाई देता है, एक बच्चा है उसके पेट में, तो उसका भूतकाल का गाय का सांड के साथ संपर्क हुआ इस बात का अनुमान होता है। बीजात फलम अनागतम, आज जो बीज दिखाई देता है
ये जिस जाति का है ऐसा ही फल आगे आएगा 10 साल बाद या 4 साल बाद या 15 साल बाद। अनागत फल का हम अनुमान कर लेते हैं बीज को देख करके। दृष्ट्वा बीजात फलम जातम यह सदृशम बुधा। और इसी लोक में बीज के अनुरूप उससे फल उत्पन्न हुआ था। बीज के अनुरूप दृष्ट्वा बीजात फलम जातम, बीज से जो उत्पन्न हुआ फल है उसको देख करके इसी लोक में बीज के अनुरूप उससे फल उत्पन्न हुआ था। इस बात को विद्वान लोग अतीत का अनुमान कर लेते हैं। दृष्ट्वा बीजात फलम जातम इहेव सदृशम बुधा, ये अनुमान के लिए ये बात कही। अनुमान प्रमाण कैसे हम करते हैं उसके बारे में। हाँ बोलिए। ये एवं व्यवस्थन्ति अतीतम, अतीत का तो व्यवस्था ऐसे कर लेते हैं, और बीजात फलम अनागतम, अनागत का तो व्यवस्था ऐसे कर लेते हैं। और अनागत एवं व्यवस्थन्ति अतीतम, इस प्रकार भूत माली ऊपर जो उदाहरण दिए वन्धिर निगूढ़ो धूमेन, एक बात हो गई, ये तो वर्तमान उपस्थित अग्नि का अनुमान करते हैं धुआं को देख करके, ये तो वर्तमान की बात हो गई। और दूसरी उदाहरण दिया था मैथुनम गर्भ दर्शनात जी, वो तो भूत का वो अनुमान, गर्भ दर्शन से अतीत को अनुमान कर लेते हैं जी। और बीजात फलम अनागतम, बीज को देखकर बीज के समान ही मतलब आम्रपाली, यदि आम जो है बीज है तो उसका आगे वैसा ही फल होगा, दशहरी का दशहरी फल होगा, इस तरह से बीजात फलम अनागतम। और अंतिम लाइन का क्या है फिर? बीज को देखकर बीज के समान सदृश उत्पन्न फल का अनुमान, बीजात फलम अनागतम, ये हो गया। ये हो गया। और इस प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान के कारण ही ये प्रत्यक्ष पूर्वक है सारा सारा, ये जो अनुमान चलता है ये प्रत्यक्ष पूर्वक, जैसे शुरू में ही कह दिया ना प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, ये प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तो इस प्रत्यक्ष पूर्व ज्ञान के कारण ही बीज से अनागत सदृश फल का अनुमान कर लेते हैं। बीजात सदृशम फलम जातम इहेव, बीज से अनागत सदृश फल का अनुमान होने वाले सदृश फल का अनुमान कर लेते हैं। ये जातम भूतकाल का मतलब नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना धातु संबंध प्रत्यय जैसा प्रयोग हो रहा है कि आगे ऐसा फल उत्पन्न होगा, जैसे अग्निष्टोम याजी पुत्रो से जनिता, जनिता तो भविष्य काल में प्रयोग होता है और अग्निष्टोम याजी भूतकाल का प्रयोग है। कृतः कटह सो भविता, ऐसा कल आएगा जिसमें चटाई बन जाएगी, कृतः कट है तो भूतकाल का है, तो उसी तरह का प्रयोग लग रहा है। दृष्ट्वा बीजात फलम जातम, जातम फलम दृष्ट्वा बीजात सदृशम, सदृशम फलम बीज को देख करके प्रत्यक्ष पूर्व ज्ञान के कारण ही बीज से अनागत सदृश फल का अनुमान विद्वान लोग कर लेते हैं कि इसके भाई इस ये जो पौधा लगाया है ना ऐसा फल निकलेगा। बीज और फल के कारण कार्य रूप वाली व्याप्ति को यहां पर दिखाया है। बीज कारण होता है, फल उसका कार्य होता है। दृष्ट्वा बीजात फलम जातम, ये जो आखिरी पंक्ति में बात कही है ना, बीज और फल के कारण कार्य लक्षण व्याप्ति को दिखाया है। व्याप्ति कई प्रकार की होती है, तो उनमें से कारण कार्य कि जहाँ बीज, जहाँ जहाँ बीज होता है वहाँ वहाँ उसके अनुकूल फल होता है, या जहाँ जहाँ फल होता है तो उसके अनुकूल कारण कोई ना कोई होता है। मानी फल होता है तो उसके अनुकूल कारण जरूर होता है। तो अभी भविष्यत में हम उसको देखना चाह रहे हैं ना, भविष्यत में तो जहाँ ऐसा कारण होता है तो ऐसा फल हमने पहले अलग सैकड़ों बार देखा बिना वे विचार के। व्याप्ति उस संबंध को कहते हैं
दो चीजों के उस संबंध को व्याप्ति कहते हैं जो कभी भी एक उदाहरण में भी फेल ना हो। जहां जहां हम धुआं देखते हैं वहां वहां जरूर अग्नि होती है, एक उदाहरण में भी ऐसा जहां जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, ये तो फेल हो सकता है। हीटर आदि में धुआं नहीं होता है, अग्नि तो होती है, पर जहां धुआं होता है यज्ञ कुंड आदि में हम देखते हैं जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होती है। तो इस व्याप्ति को, कारण कार्य मूलक व्याप्ति को यहाँ पर दिखाया है इन्होंने चक्रपाणि नीचे दर्शाया टीका में। बीजात इति सहकारी कारणांतर जल कर्षणादि युक्तादिति बोधविम अनागतम फलम सदृशम व्यवसंति इति संबंध आखिरी में दो तीन पंक्तियों में दृष्ट्वा बीजात फलम जातम इत्यनेन बीज फलयो कारण कार्य लक्षणां व्याप्तिम दर्शयति यद्यपि कारणम कार्यम व्यविचरति ये तो नावश्यम बीज सद्भावे फलम भवति। बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे कारण के होने से कार्य हो जाए ऐसा तो व्याप्ति नहीं बनती है कि जहां जहां कारण होता है वहां वहां कार्य भी हमको मिलता है, ये व्याप्ति तो नहीं। पर जहां जहां कार्य होता है तो जरूर कोई इसका कारण है, मानी कारण है और उस कारण को हमने आजकल जैसे प्रिजर्व करते हैं बीज को, तो कभी आगे फल देगा जरूर, ऐसा नहीं, सड़ भी सकता है बीच में, खराब हो सकता है। तो जहां जहां कारण होता है वो अवश्य कार्य को जन्म देता है, ये व्यभिचरित व्याप्ति हो जाती है। ऐसा लिख रहे हैं कि यद्यपि कारणम कार्यम व्यभिचरति, कारण कार्य को, कारण कार्य का व्यभिचार हो जाता है, मानी हमेशा कारण कार्य को जन्म दे, कारण कार्य को उत्पन्न करे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कारण बीच में कोई बाधा आ सकती है और कारण जो है कार्य तक ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है। पर कार्य को देख करके तो कारण का अनुमान हो ही जाता है कि कार्य है तो जरूर इसका कोई कारण रहा है। तो ये बात बताई, यद्यपि कारणम कार्यम व्यभिचरती या तो नावश्यम बीज सद्भावे फलम भवती, अवश्य ऐसा नहीं होता है कि बीज हो गया तो फल भी होगा, तथापि सहकारी कारणांतर युक्तम बीजम फलम न व्यभिचरती थी अभिप्राय बोधव्या कारण सामग्री से कार्य न व्यभिचरते। इस अर्थ में उदाहरण दिया है कि सहकारी कारण के रहते हुए अर्थात कारण के कार्य तक पहुंचने में जो सहकारी कारण है अर्थात अच्छा भूमि और अच्छा उसकी देखरेख, सूर्य की धूप और खाद देना और बीच में नलाई गुड़ाई करना, उसको खोदते रहना, सहकारी कारणों के होने पर कारण अवश्य ही कार्य तक पहुंच जाता है। इस अर्थ में ये उदाहरण दिया है कि भाई कारण हो, कारण यदि हमारे पास है तो अवश्य कार्य, उस जाति का कार्य भी होगा, और उस अर्थ में ये उदाहरण ठीक बैठता है। हाँ जी आचार्य जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जी कि हमने जैसे महाभारत में तो देखा कि भगवान कृष्ण बता देते थे कि पिछले जन्म में आपने ये किया था अभी इसलिए ये फल भोग रहे हो, आज के जमाने में भी कोई ऐसा है क्या? नहीं, ये तो आप ऐसा समझिए जी कि शास्त्रकारों ने जो शास्त्र रचे हैं ना जी, वो ऐसी सामर्थ्य रखते थे, तो ऐसी सामर्थ्य रखने वाले होंगे, इतना बड़ा विशाल संसार है जी। पर वो अपने आपको कोई ऐसे कौन शो करता है कि मैं आपके तीनों कालों की बता देता हूँ, बता दूंगा जी। श्री कृष्ण ने भी अपने बारे में ही बताया ना कि मैं पहले जन्म में योगी था जी। वो दूसरों को कहाँ बता रहे थे, और अभी कहेंगे जी। कि योगी लोग जो होते हैं दिव्य दृष्टा होते हैं, दिव्य चक्षु वाले होते हैं, पर ऐसे योगी कोई अपने को ऐसे कौन डिक्लेयर करेगा कि मैं जो है दिव्य दृष्टा हूँ और मेरे को सब कुछ पता है और मेरे से पूछ लो, ऐसे कौन होते हैं। वो शास्त्र तो लिख देते हैं और वो शास्त्रों में वो चीजें, मानी ऐसे हम किसी को हम कहें कि वो है और वो आपके परीक्षण में पूरा ना उतरे, ये भी तो होता है ना। एक एक आदमी मैं ऐसे समझता हूँ कि हर व्यक्ति की परीक्षा में एक आदमी अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं होता है जी। इस संसार में मैं एक आदमी किसी को, उसकी परीक्षा कुछ अलग प्रकार की होती है और उसमें वो पूरा ना उतरे, एक एक व्यक्ति की परीक्षा अपने ढंग की होती है कि भाई इस
कसोटी पे जो कसा जाएगा ना उसको हम सत्य निष्ठ या त्रिकालदर्शी कहेंगे। तो ये तो ऐसा ऐसा बिंदु है जिसको हम एक तरफा उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जिक्र तो आया ना, आत्म पुरुष का जिक्र आया है। हाँ नहीं, वो सही है, शास्त्रकार तो करते ही हैं, शास्त्रकार तो ऐसे होते ही हैं, पर वो हमारी नॉलेज में कोई है नहीं है, और हम किसी को यदि समझ ले तो दूसरा भी समझे, इसमें गारंटी नहीं है। धन्यवाद। तो ये अंतिम पंक्ति, हाँ जी प्रसिद्ध, समझ में आया, दृष्टवा बीजात फलम जातम यह सदृशम बुधा। बुद्धिमान लोग बीज को देख करके फल उत्पन्न होगा, ऐसा ही फल उत्पन्न होगा ये अनुमान कर लेते हैं व्याप्ति के द्वारा, कि ऐसा बीज जहां होता है ऐसा फल होता ही है। तो ये स्पष्ट किया कि सहकारी कारण यदि सारे के सारे उपस्थित हैं तो ये व्याप्ति पूर्वक हम अनुमान ठीक लगा लेते हैं। आगे कहते हैं, जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवा युक्ति षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्त था। ये युक्ति पर आ गए। अब चार चीजें बतलाई थी, चार चीजें बतलाई थी, आप्तोपदेश, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति। अब ये युक्ति की बात कह रहे हैं, इनके द्वारा सही और गलत की परीक्षा होती है, किसी प्रामाणिक व्यक्ति के कथन से सत्य और असत्य की परीक्षा होती है, प्रत्यक्ष के द्वारा सत्य और असत्य की परीक्षा होती है, अनुमान के द्वारा, और युक्ति, युक्ति माने रीजन, लॉजिक, जो हमारी बुद्धि एक सही सही तर्क प्रस्तुत करती है उसके द्वारा भी ठीक और गलत, भावात्मक और अभावात्मक पदार्थों की परीक्षा होती है। उन्होंने कहा जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवा, एक युक्ति दे रहे हैं कि देखो जब जल हो, खेती जमीन को जोता जाए, बीज हो और अनुकूल ऋतु हो, ऋतु का भी अपना बड़ा महात्म्य है सस्य के लिए, तो जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवा, जैसे सस्य पैदा होता है, युक्ति, इसको युक्ति कहेंगे, षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्त था, इसी प्रकार छह धातुओं के संयोग से गर्भ संभव हो पाता है। छह धातु कौन से हैं? पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, पांच धातु और एक चेतना धातु। चैतन्य को भी एक धातु के रूप में कहा गया है, पांच धातु एक पारिभाषिक टेक्निकल शब्दावली में प्रयोग किया है, जैसे कि हम पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, आकाश धातु कहते हैं, जो धारण करे वो धातु। तो जैसे पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश हमारे इस अस्तित्व को धारण करते हैं, इसी तरह से एक चेतना धातु है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो इन छह के संयोग से गर्भाणाम संभवस्त था युक्ति बताई, और भी एक युक्ति दे रहे हैं, मथ्य मंथन मंथान संयोगाद अग्नि संभवा, जैसे एक वो होता है अग्नि जलाते समय एक लकड़ी नीचे खड़ी करते हैं, ऐसे एक लकड़ी को, ऐसे एक चौड़ी एक लकड़ी ऐसे रखते हैं, उसके ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर ऐसे एक लकड़ी खड़ा करते हैं और ऊपर से दबा देते हैं ऐसे, और इसमें एक रस्सी डालते हैं और उसको जैसे मथनी से जैसे रई घुमाते हैं, तो उसको जब ऐसे ऐसे बहुत तेजी से घुमाएंगे ऊपर से इसका प्रेशर रहेगा, इसको इधर उधर नहीं होने देते, एक व्यक्ति ऊपर इसको थोड़ा सा ऐसे काट करके वो ऊपर वाली जो लकड़ी है उसको इसमें ऐसे फिट कर देते हैं जिससे कि वो ऐसे इधर उधर ना हिले, और नीचे वाली लकड़ी को भी थोड़ा सा, वो जो लकड़ी नीचे होती है चौड़ी लकड़ी होती है उसके अंदर थोड़ा सा काट कर ऐसे खड़ा करते हैं, गोलाई सी में करते हैं, फिर उसको जब घुमाते हैं तो घूमने लगता है और संघर्ष से अग्नि पैदा हो जाती है। उस बात को कह रहे हैं कि मथ्य मंथन मंथान और इन तीनों के संयोग से अग्नि पैदा हो जाती है,
मथ का मतलब मथने योग्य नीचे रखी हुई लकड़ी, अरणी बोलते हैं उसको, और मंथन मानी मथानी, मंथन करने वाला दंड, उसको मंथन कह रहे हैं। और तीसरा मंथान, लकड़ी का घूमना, इनके संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है। तो ये एक बात कही, युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपत व्याधि निबर्हिणी। उसी प्रकार अपने अपने गुणों से संपन्न जो चतुष्पाद होने पर व्याधि की शांति होती है, ये युक्ति होगी। जैसे दो उदाहरण दिए इन्होंने, एक तो ये उदाहरण दिया सड धातु संयोग से जैसे गर्भ संभव होते हैं, आत्मा ना मिले, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से पंच धातु ना मिले तो जो है गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे जल भूमि बीज और ऋतु का संयोग न हो तो शस्य धान्य उत्पन्न नहीं होता है। और जैसे मथ्य मंथन आदि के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे ही युक्ति युक्त चतुष्पाद संपत व्याधि निबर्हणी, निबर्हणी का अर्थ है व्याधि का नाश करने वाली होती है। तो इसमें ऐसे दिखा रहे हैं, चार जो पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था, पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि एक होता है वैद्य, अच्छा भिषक जिसको कहते हैं, और परिचारक, आजकल जो सेवक होते हैं ना रोगी पेशेंट के पास जो काम करने वाले, उसकी सेवा करने वाला, और औषध, औषध द्रव्य, और तीसरा होता है स्वयं रोगी। इन चारों के ठीक होने पर, ये चार ठीक हों, चार चार गुणों से युक्त बतलाए कि वैद्य में ये गुण होने चाहिए तब वो अच्छा वैद्य माना जाता है, सेवक में ये गुण, ये हम पढ़ चुके हैं, परिचारक में ये गुण हो तो वो अच्छा सेवक।